नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 को नगर परिषद के गठन होने से अब तक लगातार ये वार्ड अनुसूचित जाति के आरक्षण में रहा है, जबकि उक्त वार्ड में लगभग 50% मतदाता सामान्य और पिछड़ा वर्ग के हैं। तो वहीं वार्ड क्रमांक 3 में अधिकांश मतदाता अनुसूचित वर्ग से हैं, जिनकी संख्या लगभग 45% से अधिक है, जबकि उक्त वार्ड को मतदाता प्रतिशत को नजरअंदाज कर अन्य वर्ग में भी आरक्षण और अनारक्षित श्रेणी में रखा जाता है। तो वहीं वार्ड क्रमांक 14 को अनुसूचित जाति के आरक्षण से मुक्त कराने के लिए मतदाताओं ने कहा कि वर्ष 1983 से नगर परिषद घुबारा के गठन होने से लगातार ये वार्ड वासी हमेशा अनुसूचित जाति के आरक्षण में रहा है। उक्त वार्ड क्रमांक तो कभी बदल गया है, लेकिन उक्त वार्ड के मतदाताओं को अपना मत निर्वाचित वर्ष 1995 से 2019 तक जो 25 वर्ष से 5 वर्षीय आरक्षण वार्ड का अनुसूचित में रहा, अनुसूचित जाति के मतदाताओं को छोड़कर 99% पिछड़ा वर्ग के मतदाता निवास कर रहे हैं और सामान्य नियम अनुसार किए जाने के लिए मतदाताओं ने अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, महोदय, निर्वाचन अधिकारी और नायब तहसीलदार को आवेदन देते हुए आरक्षण से मुक्त करने की मांग की है। माननीय कलेक्टर महोदय जी के लिए आवेदन देने आए हैं। हमारे यहाँ नगर पंचायत द्वारा वार्ड क्रमांक 12 एवं वार्ड क्रमांक 14 में विगत 25 वर्षों से दोनों वार्डों में हरिजन वार्ड है और वहाँ पर 50 से 60% 63% सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं। तथा तो हम चाहते हैं, सभी वार्ड के वासी चाह रहे हैं कि सामान्य अथवा पिछड़ा क्यों, क्योंकि हम लोगों की संख्या अधिक है, विगत 25 वर्ष से हरिजन वार्ड है, अतः हम लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। वार्ड नंबर 3 का क्या मसला है? वार्ड नंबर 3 में हरिजन वार्ड चाह रहे हैं, उनका हरिजन 75-70% हरिजन वोट है और उनका पिछड़ा वार्ड 25 वर्ष से चल रहा है।